हेलो क्लास सेकेंड, हाउ आर यू ऑल? आई होप फ्रॉम यू यू आर वेरी वेरी वेल, हैप्पी एंड सेफ एट योर होम. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, आई एम हेयर फॉर यू ऑलवेज. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, वी आर रेड एट द लास्ट सेशन व्हाट चैप्टर 8, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि पक्षी जो होते हैं सब साउथ की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उनको गर्माहट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, जो कि यहाँ सर्दियों में नहीं मिल पाती है. और बहुत से पक्षी जो यहाँ रहते हैं वो ठिठुर के मर जाते हैं. अच्छा, तो उसमें से एक पक्षी, सब लोग सब साउथ की तरफ जा रहे थे तो एक पक्षी नहीं जा पाया क्योंकि उसके पंख टूटे हुए थे, तो वो उन लोगों के साथ फ्लाई कर नहीं सकता था. तो उसने क्या किया कि जब वो अकेला फील करने लगा, बाकी के पक्षी चले गए साउथ की तरफ, तो उसने एक एक करके पेड़ों से पूछना शुरू किया कि क्या आप मुझे सर्दियों भर आश्रय देंगे, मैं सर्दियों में यहीं आपकी डाल की छांव में बैठ सकती हूँ. लेकिन एक पेड़ था, उसने मना कर दिया, नो. अब आगे बढ़ती है कहानी कि आगे क्या होता है ये जानिए आगे के पैराग्राफ में. ओके, फीलिंग लो, द लिटिल बर्ड आस्क्ड द नेक्स्ट ट्री, इट वॉज द ओक ट्री. ओक ट्री जानते हैं आप लोग, जो अभी क्या हुआ कि लिटिल बर्ड अब क्या करती है, दूसरे ट्री से पूछते जो कि ओक का ट्री होता है, ठीक है. सो द बर्ड सेड, ग्रेट ओक ट्री, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, विल यू प्लीज हेल्प मी, my wing is broken and I can't fly, can I live on your branches till my friends come back in the springtime? Okay, usne bola ki great oak tree, aap bahut mahan ho, shreshth ho, aur kya aap meri madad karoge, mere pankh jo hain wo toot chuke hain isliye main ud nahi sakti, to क्या मैं आपके ब्रांचेस में तब तक रुक जाऊँ जब तक मेरे फ्रेंड्स स्प्रिंग टाइम में वापस नहीं आ जाते. स्प्रिंग टाइम, दैट इज़ लॉन्ग, दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम, शाउटेड द ओक ट्री. ओक ट्री ने कहा स्प्रिंग टाइम मतलब बहुत दूर की बात है अभी, तो मतलब तुम इतने दिन रुकोगी? आई डू नॉट नो वॉट यू माइट डूइंग दैट टाइम, बर्ड्स नीड समथिंग टू ईट एंड यू माइट ईट अप माई अक्रॉन. उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इतने इतने टाइम के लिए तुमको, तो उसने बोला कि उसको कुछ खाने की ज़रूरत थी, तो उसने कहा कि तुम मेरे कॉर्न खा सकते हो. विद फ्रॉन द लिटिल बर्ड वेंट ऑन द विलो ट्री, जेंटल विलो, माई विंग इज़ ब्रोकन एंड आई कुड नॉट फ्लाई टू द साउथ विद द अदर बर्ड्स, मे आई लिव ऑन योर ब्रांच. ओके, अब वो नेक्स्ट ट्री की हो जाती विलो ट्री, और उससे बोलती जेंटली कि मेरे पंख टूट गए हैं, क्या मैं आपके ब्रांचेस में रह सकती हूँ तब तक जब तक मेरे फ्रेंड्स वापस नहीं आ जाते जो कि साउथ चले गए हैं, साउथ की ओर, ठीक है. तो विलो ट्री ने बोला मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख सकता, बहुत ही गर्व से. कभी विलो ट्री पीपल से बात नहीं करते हैं, और मुझे नहीं पता, यू मस्ट लीव एट वंस, तुम जल अभी चली जाओ यहाँ से, ठीक है. द पुअर लिटिल बर्ड लॉस्ट ऑल होप, अब उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी. कौन? पुअर लिटिल बर्ड ने, विद हिट्स ब्रोकन विंग, इट टायर्ड टू फ्लाई, ट्राइड टू फ्लाई, देन सडनली इट हियर्ड, हे लिटिल बर्ड वेयर आर यू गोइंग. ओके, क्या हुआ कि अब उसने सारी उम्मीदें खो दी थी, और उसने अपने जो पंख थे टूटे हुए उससे फ्लाई करने की कोशिश करने लगी. तभी क्या हुआ कि एकदम से आवाज़ आई कि ये लिटिल बर्ड आप कहाँ जा रही हो. इट वॉज अ फ्रेंडली स्पर्स ट्री, इट हैव आई हैव टू फाइंड अ प्लेस फॉर द विंटर, आई हैव टू कीप माई सेल्फ वार्म, सेड द लिटिल बर्ड. ठीक है, एक बहुत फ्रेंडली से आवाज आई कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा कि मुझे अपने आप को वार्म करने के लिए एक विंटर में रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी है. ठीक है, यू कैन रेस्ट ऑन माय वार्मेस्ट ब्रांच फॉर द विंटर, कैन
उसने बोला, किसने? एक बर्ड ने बोला कि क्या तुम मेरे वार्मेस्ट ब्रांच विंटर यू कैन रेस्ट ऑन माई, आप मेरे वार्मेस्ट ब्रांच में रेस्ट कर सकते हैं? कैन आई? चर्प द लिटिल बर्ड एक्साइटली. और उसने बोला, क्या मैं कर सकती हूँ आपकी ब्रांच में रेस्ट कर सकती हूँ तब तक जब तक तो मेरे फ्रेंड्स वापस नहीं आ जाते दूसरे देश से, बहुत एक्साइटेड होकर. यस यू कैन हेयर रेस्ट ऑन दिस ब्रांच वेयर माई लीव्स आर थिकेस्ट एंड सॉफेस्ट. यस तुम कर सकती हैं यहाँ पर मेरी ब्रांच में जिसकी लीव्स बहुत ही थिकेस्ट और सॉफेस्ट है, इस पर तुम आराम कर सकती हो. ठीक है, तो अभी इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा, काफ़ी पढ़ लिया है. तो इसके बीच से आपको 7 हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करके लिखने हैं, बहुत नीट एंड क्लीन. ओके, तो जितने भी हम लोगों ने पैराग्राफ रीड कर लिए हैं उसी पैराग्राफ के अंदर से आपको 7 हार्ड वर्ड्स रीड एंड लर्न राइट करने, 7 हार्ड वर्ड्स. ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय, ऑल ऑफ यू.